हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे वीडियो में स्वागत है और एक और नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा और स्कॉर्पियो वगैरह में हमारा काम चल रहा है, इंडिका में काम चल रहा है, स्विफ्ट का भी काम रुका हुआ है। जो अगर आपने हमारा पुराना व्लॉग नहीं देखा है तो वो क्रेन से उठ के आई है गाड़ी, वो काफ़ी मेजर लड़ी है, उसका शॉकर वगैरह सब हो सकता है चेंज करना पड़े, कैची वगैरह तो चेंज करनी ही पड़ेगी, एप्रन भी बहुत ज़्यादा मुड़ गया है, तो वो भी देखना है कि रिपेयर होना है कि क्या होना है। उसमें काम तो हो सकता हो दिवाली बाद ही लगे, अभी उसका कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। और इलाहाबाद जो काम है अभी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और रनिंग काम ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग। रनिंग का मतलब एक दो आइटम पैनल और जो पुरानी गाड़ी हमारे पर लगी हुई है उसको हम कम्प्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली से पहले का कमिटमेंट है और कमिटमेंट खाली ना जाए इस वजह से काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। और अभी आपको दिखाते हैं, हमारे पास अभी एक स्विफ्ट आई है, ब्रांड न्यू स्विफ्ट है। ब्रांड न्यू स्विफ्ट मतलब वहाँ आप हमारी वीडियो में ब्रांड न्यू गाड़ियाँ देखा ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर नई गाड़ी हमारे पास आया करती हैं और वो चाहे अर्टिगा हो, एक्सल सिक्स हो, स्विफ्ट हो, तो अभी डिज़ायर है और एकदम नई गाड़ी है। अभी आपको दिखाते हैं, उसका फेंडर लड़ गया है, बम्पर लड़ गया है, टच हो गया है, एक्सीडेंटल नहीं है, टच हो गया, उसकी वजह से वो गाड़ी डेंट पेंट हो रही है। अभी आपको हम दिखाते हैं, गाड़ी का बम्पर है, नंबर प्लेट अभी नहीं मिली हुई है इस गाड़ी को और ये रखा हुआ है बम्पर इसका एकदम ब्रांड न्यू पल वाइट में। ये दिक्कत आई है, हेड लाइट रखी हुई है, फेंडर की डेंटिंग हो रही है, अभी देख सकते हैं आप इतना ख़राब हुआ है ये। एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है, बेस मॉडल देख सकते हैं, नंबर प्लेट तक नहीं मिली है अभी। दूसरी गाड़ी दिखाते हैं, ये फीगो भी हमारे पास आई थी, आप अगर हमारी पुरानी वीडियो फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा। अभी आपको रंग में डिफरेंस दिख रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि ये पीला है, इसको अभी हम सैंडिंग करके पॉलिशिंग करेंगे तो मैच हो जाएगा। फिलहाल ये गाड़ी पलटी हुई गाड़ी है, एक्सीडेंटल गाड़ी है ये, जिसने हमारे व्लॉग पुराने देखे हैं वो भी देखता है कि ये स्कॉर्पियो हम डेंट पेंट कर रहे हैं, ये लड़ी हुई गाड़ी है। इसमें सब रिपेयर वाला काम हुआ है। अभी ये यौन हमारे पास आई थी, मतलब ये कल आई थी, और इसमें दोनों बम्पर नहीं लगे, दोनों हेडलाइट नहीं लगी है और पेंट जो हो रहे हैं टोटल 5 आइटम हो रहे हैं, दोनों बम्पर, दोनों फेंडर और पिछला बम्पर, सॉरी दोनों फेंडर, दोनों बम्पर, 4 आइटम पेंट हो रहे हैं इसमें। और जैसा कि आपको पहले ही बताया था, अभी ये खाली किया गया था और ये फिर से भर गया है, ये गोडाउन है हमारा। तो इंडिका का, स्कॉर्पियो का बम्पर वगैरह और ये उनके लाइट वगैरह के डिब्बे अभी रखे हुए हैं। तो स्कॉर्पियो में कुछ भी चेंज नहीं होना है, सब रिपेयर वाला काम है। हेडलाइट इतनी बुरी तरीके से टूटी थी, फिर भी उसको जैसे तैसे रिपेयर किया गया है और नक्के वगैरह उसके टूट गए थे, तो ये लोहे की चादर बना के लगाई जाएगी ताकि वो उसमें बैठ जाए। लेना भी जरूरी है, आदमी लगे खाली ना बैठे काम होता है। लड़ा काम होता है तो काम आता भी ज्यादा है। तो अभी यौन जो आपको सुबह दिखाई थी, मतलब पहले दिखाई थी, वो अभी इसका प्राइमर वर्क हो गया है और क्योंकि बम्पर नए थे तो नए बम्पर पे सबसे पहले प्लास्टिक प्राइमर पड़वाना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर प्लास्टिक प्राइमर नहीं डलवाएंगे तो ये उखड़ने लगेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, गाड़ी अभी आपको डिज़ायर दिखाई थी नई एकदम, और अब आप देख रहे हैं ये वैगनार है और इसका एक दरवाज़ा डोर पेंट होना है और ये ब्रांड न्यू है एकदम और 3-4 दिन पुरानी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या पुरानी होगी। और ये है बलिनो
और इसमें भी टच अप वर्क होना है। हालांकि हम टच अप वर्क सजेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो कस्टमर चाहेगा वही होगा, तो इसमें टच अप वर्क होना है। तो डिज़ायर हमारी पेंट हो गई है, आप कलर मैचिंग देख सकते हैं, और इसका पूरा फेंडर पेंट हुआ है, बम्पर के कोने टच अप हुए हैं, और इसका कलर एकदम 100% मैच है। नए गाड़ी पे कलर मैच करने में कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है पुराने कलर में, क्योंकि वो टाइम के हिसाब से पुराना पड़ जाता है और पीला भी पड़ जाता है, अगर पॉलिशिंग नहीं कराएंगे तो अलग जैसा दिखता है। बलिनों का काम भी शुरू हो गया है, और वैगनार में जो होना है वो डोर पेंट होना है पूरा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी इस पर क्लियर अप्लाई हो रहा है, ये फाइनल कोट होता है, और इसकी क्लियर सॉरी इसके कलर की मैचिंग भी आप देखेंगे, कोई कह नहीं सकता है कि ये कलर पेंट मतलब दरवाज़ा पेंट हुआ है। हालांकि कस्टमर का माइंडसेट ये होता है कि उसको पता है कि ये दरवाज़ा पेंट हुआ है, तो भले ही 100% मैच हो, लेकिन उसको लगता है कि ये पेंट थोड़ा बहुत अलग है। तो नए पैनल में हमारे हिसाब से, जैसा कि मैं कहता हूँ हर वीडियो में, 19-20 चलाना पड़ता ही है, लेकिन इसमें 19.5-20 होगा, क्योंकि कलर एकदम परफेक्ट मैच है। और अभी आपको हम टेपिंग हटा के भी दिखाएंगे, इसका कलर एकदम परफेक्टली मैच हुआ है, और ये वैगनार का सिल्की सिल्वर कलर है, और काफ़ी कॉमन कलर है, इसमें मैचिंग इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो पेंट पड़ गया, आप देख सकते हैं एकदम सही दिख रहा है। अरे उड़ जाएगी, टेंशन ना। तो ये दोनों गाड़ी हमारे यहाँ पेंट हो गई हैं और तैयार हो गई हैं, और दोनों ही बहुत बढ़िया पेंट पेंट हुई हैं। तो इसके साथ हमारे साथ एक और गाड़ी है, वो है ग्रैंड आइटन NIOS। इसका रनिंग पैनल हम पेंट कर रहे हैं और दोनों बम्पर के कोने पेंट हो रहे हैं। ये सब आज का काम है, ये कल परसों वाला नहीं है, ये जो नई गाड़ियों वाला आप देख रहे हैं ये सब आज ही का काम है। और ये भी हमारी गाड़ी पेंट हो गई है और रात हो गई है, तो ये हमारा लास्ट काम होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।